कहाँ से आए हम? अशोक ने, मेरी पूरी टीम ने जयपुर में जगह जगह मस्जिदों में, जैसे जुमा की नमाज होती थी हम वहाँ कैंप लगाते थे, मेरी टीम वहाँ बैठती थी, पैम्पलेट बांटते थे, सब कुछ करते थे, बट बच्चे नहीं आ रहे पढ़ाई के लिए। हम ये भी सोच रहे थे पहले, हमें ये भी डर लग रहा था कि हमें तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने उनको वादा तो दिला दिया है कि हम इतने बच्चों को पढ़ा लेंगे, बट ये कैसे कर पाएंगे? बट ये तभी मुमकिन हो सका, फिर हमें खालिद जी मिले, फिर इन्होंने बोला कि कोई परवाह किए बगैर आप हम पे छोड़ दो, हम ये काम आपका करवा लेंगे। बहुत अच्छा लगा आज मैंने जब ये इन्होंने बोला कि मैं मेवात से हूँ, तो मैंने भी यहाँ फरीदाबाद से पढ़ाई की है, तो मेवात हमारे आसपास ही था मगर कभी मौका नहीं मिला जाने का। तो मैंने खालिद भाई से पूछा था, कभी ना कभी मेरे दिल में है कि कभी मेवात का मैं कभी चक्कर लगा के आऊँ, क्योंकि बहुत दिल्ली शौक है वहाँ जाने का। तो मैं यही बता रहा हूँ, कल दो तीन दिन से हम इस नई मंजिल स्कीम के तहत हम बच्चों में ये किताबें बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी ये लग रहा है कि हमने भी पिछले दो तीन दिन से ये सर्वे किया कि किसी कारण हमने ये एजुकेशन हमने छोड़ दी है, किसी ने पाँचवीं में छोड़ दी जैसे सर ने बताया, फर्स्ट में छोड़ दी, एट्थ में छोड़ दी, किसी की फैमिली की हालत की वजह से छोड़ी, किसी की गरीबी के कारण छोड़ी, किसी को माँ बीमार थी, किसी को बाप बीमार था, बहुत से कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने एजुकेशन छोड़ी है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि पिछले दो तीन सालों से हमारे पास स्कीम आ रही है। हमने पहले गवर्नमेंट कश्मीर में हमने पिछले साल इसको सक्सेसफुली डिलीवर किया, जिसमें हमने तकरीबन 800-900 बच्चों को 8वीं 10वीं में उन्होंने एग्ज़ाम दी के पास हुए हैं। अब इस साल हम पहली बार यहाँ पे राजस्थान में लेके आए, बट हमने टारगेट कम लिया था पहली बार ये सोच के कि बच्चे आए या नहीं आए। तो जैसे कि मैं इस साल का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, इंशाल्लाह हमें कोशिश यही रहेगी कि अगला साल हम इसको दुगना करेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप आएंगे, आप आगे बढ़ने के लिए आपको चहल पहल करेंगे कि हमें भी पढ़ना है, क्योंकि हम लाते हैं तो उसके लिए आपका भी आना ज़रूरी है यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे, ये तभी मुमकिन होता है जब आप भी आगे आएँ इसके लिए और आगे अपना, क्योंकि आपको भी पता है ये इल्म एक ऐसी दौलत है जो एक आपका ज़िंदगी रोशन करती है, आपके आने वाली पीढ़ी को रोशन करती है। जैसे हमारे, आपको पता है कि हमारे कोई जैसे किसी माँ बाप ने नहीं पढ़ा होगा, वो ऐसे हमारी सोच ऐसी है कि जय हम ये बोलते हैं कि जय मैंने कुछ नहीं किया तो आप क्यों पढ़ोगे, मतलब ये ऐसी सोच हमारी बन गई है। बट इस सोच से निकल के आप एक बार निकल के आएँ तो हमारी पीढ़ी भी, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है सब खुश रहेंगे, उनका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। तो ये आज बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए। तो खालिद साहब ने आप ये खालिद साहब बता रहे हैं कि वहाँ जैसे यहाँ एडमिशन यहाँ 250 बच्चों का है, किसी बारिश के कारण नहीं आए, बट फिर भी इतने बच्चे आए तो बहुत अच्छा लगा है हमें यहाँ पर। अब इस स्कीम के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा, जो आप मोस्टली यहाँ पे एट्थ वाले हैं, एट्थ वाले बच्चों के लिए अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोर्स मटेरियल देंगे, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी यहाँ टीचर साहिबान जो भी आपको पढ़ाते हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक आध घंटा जो यहाँ पढ़ाते हैं अगर मैं एक बार उसको देख लिया करें, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप उसमें अच्छे से लिख पाएंगे, तो अच्छे नंबरों से पास होके आगे बढ़ें। तो इसके लिए अभी हमने जो कोर्स स्टडी है आपको इसमें 5-6 महीनों का आपको ये पढ़ाएंगे यहाँ टीचर साहिबान, और उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम होने के बाद जैसे आप पास करोगे, उसके बाद हम जैसे खालिद साहब ने बताया, हमारी ये सोच है कि हम यहाँ पे कोई सेंटर, स्किल सेंटर सेटअप करके आपको ट्रेनिंग देंगे, ताकि आपको भी ये जो ट्रेनिंग मिलेगी तो उससे आप अपना रोज़गार कमा सकते हो आगे। तो इस स्कीम का मुद्दा ही है स्किल, आप अपना एक स्किल अपने आप में मिल जाएगा, ताकि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए तो अपना रोज़गार खुद तलाश कर सकते हैं, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जैसे आप, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नौकरी करूँ तो मैं खाली अपने आप के लिए ढूंढ रहा हूँ, अगर आप कोई सेंटर खड़ा करते हैं तो वहाँ पर 4 बंदों को आप रोज़गार देते हैं, तो मतलब आपने अपने आप को भी रोज़गार दिया, अपने 4 बच्चों को भी रोज़गार दिया। और जो ये हम स्कीम आपको इसमें आपको मतलब स्कॉलरशिप भी हम प्रोवाइड करेंगे, हर माह आपको स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट के से आएगा,
बट वो तभी पॉसिबल है जब आप क्लास में आएंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अटेंडेंस जैसे भी आएगी हम गवर्नमेंट को देंगे आपकी अटेंडेंस। ये बच्चा हमारे पास कंटिन्यू आ रहा है तो ये इस क्लास में हमारे पास पढ़ रहा है, इतनी अटेंडेंस है इसकी, तो वो जो गवर्नमेंट के हिसाब से जितनी भी स्कॉलरशिप है वो हर माह आपके अकाउंट में आया करेगी। उसके लिए आपको जो भी सर वो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड जो भी बैंक डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो पहले 6 महीनों में आपको स्कॉलरशिप भी आएगी और उसके बाद अगले 3 महीने जो आपको स्किल की ट्रेनिंग की जाएगी उसमें भी आपको स्कॉलरशिप देंगे हम। वो सेंटर हम यहाँ पे खालिद साहब ने और सर ने हमारे बताया कि यहाँ पे हम एक सेंटर खोलेंगे तो उसकी ट्रेनिंग भी हम यहाँ पर आएंगे। बट मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप कंटिन्यू आए कि जिस प्रोग्राम को सक्सेस बनाएं। ये तभी पॉसिबल है जब आप आएँ, क्योंकि आप सब ने किसी कारण ये छोड़ा है बट ये गवर्नमेंट ने अब जो हमारे पास स्कीम लाई है ये आपको एक ऐसा मौका दोबारा मिला है जो मतलब बहुत से बच्चों को ज़िंदगी में नहीं मिलता। वो ढूंढते रहते हैं कि काश हम दोबारा पढ़ जाते बट उनका को वो मौका नहीं मिल पाता। ये मौका आपको नसीब हुआ है, मैं आप चाहता हूँ कि इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठा के ज़िंदगी में आगे बढ़ें और आगे जाके तक पढ़ें ताकि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो, आपकी फैमिली का मुस्तकबिल अच्छा हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।